हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी MySQL सीखने की सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू अपर केस यूजिंग CSS, यानी टेक्स्ट को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना या लोअर केस में कन्वर्ट करना या कैपिटलाइज करना, ये सब कैसे करते हैं इसको आज अपन देखने वाले हैं। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसका नाम है PHP MySQL। ये एक वेब एप्लीकेशन बनाने का कोर्स है जिसमें आप पूरी वेबसाइट शुरू से आखिरी तक जो जो चीज़ें चाहिए वेबसाइट बनाने में वो सारी चीज़ें सीख रहे हैं। वेबसाइट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए वो एक सीक्वेंस में सीखना है, पहले HTML, फिर CSS, फिर JavaScript, jQuery, PHP, देन MySQL। तो HTML हम लोग देख चुके हैं, HTML के वीडियो लेक्चर्स इसी चैनल पर रखे हुए हैं, CSS के वीडियो लेक्चर्स ये सीरीज़ चल रही है, अभी हम देख रहे हैं चैप्टर 9, इससे पहले 8 चैप्टर आप देख चुके हैं CSS के। आपने देखा था CSS में सिंटेक्स कैसा होता है, यानी हम कोडिंग कैसे करते हैं। आपने इसके पिछले वीडियोस में ये भी देखा था कि कहाँ पर हमें कोडिंग लिखनी चाहिए, यानी एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट या इनलाइन स्टाइल। तो ये सारी चीज़ों से आप फैमिलियर हैं, अगर नहीं हैं, आप डायरेक्टली देख रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आप पहले जो 8 चैप्टर इससे पहले हैं CSS के वो ज़रूर देख लीजिए। एनीवे, यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। आज हमको एक प्रॉपर्टी देखनी है जिसका नाम है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का नाम है, और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो आप लिखें अपर केस, या आप लिखें लोअर केस, या फिर आप लिखें कैपिटलाइज। अच्छा, अपर केस का मतलब होता है कि जिस टेक्स्ट पे आप ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप लोअर केस लिखते हैं तो सभी कुछ स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि आप कैपिटलाइज लिखते हैं तो सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द आ रहे हैं हर शब्द का पहला पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने ये क्या लिखा है, पी डॉट अपर केस का मतलब क्या है। आपको याद होगा जो सेलेक्टर होता है वो हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम लिखेंगे टैग वैल्यू, टैग का नाम किसी HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर हम लिखते हैं उसके ID की वैल्यू तो हैश लगाते हैं, और अगर हम क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं तो हम डॉट लगाते हैं। ये सब पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह से सेलेक्टर को लिखने का मतलब ये हुआ कि वो पैराग्राफ जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू अपर केस है। अब ये नाम अपर केस मैंने लिखा है तो डेफिनेटली HTML में कोई पैराग्राफ एलिमेंट होगा जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने लिखी होगी अपर केस, ठीक है। ऐसे ही वो पैराग्राफ जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लोअर केस है, तो हो सकता है कि किसी के क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू लोअर केस हो पर वो पैराग्राफ ना हो, तो उस पर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पी डॉट भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब वेरिएशन इतना ज़्यादा अभी आपको उलझना नहीं है, आपको मेन चीज़ तो ये समझना है कि ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर बेसिक HTML कोड लिखा हुआ है। इस HTML कोड में हमने हेड टैग और बॉडी टैग बनाए हुए हैं। आपको मालूम है कि अगर इंटरनल स्टाइल शीट लिखी जाती है CSS की तो स्टाइल टैग लगाते हैं, वो भी हेड टैग के अंदर लगाते हैं, जिसकी जिसके टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें लिखनी होती है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। ये हमने स्टाइल टैग स्टार्ट और स्टाइल टैग क्लोज कर लिया है। अब हम कुछ एलिमेंट्स बना रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट बना लिया H1 और इसमें लिख दिया वेलकम। अब इस पे मुझे प्रॉपर्टी लगानी है, अभी फिलहाल कोई प्रॉपर्टी लगाए बिना मैं देखना चाहता हूँ कि ये कैसा इसका आउटकम आएगा। ये वेलकम इस तरीके से दिखाई दे रहा है, W कैपिटल है क्योंकि मैंने कैपिटल बनाया था, बाकी सारे लेटर स्मॉल है। अब मैं CSS के ज़रिए, देखिए मैंने लिखा H1 और इसमें प्रॉपर्टी लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी का नाम है। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अपर केस, अपर केस। ये देखिए सब कुछ कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अपर केस की जगह मैं लिखता हूं लोअर केस। लोअर केस लिख दिया, अब देखें क्या होता है, सभी कुछ स्मॉल लेटर में आ गया, W भी स्मॉल लेटर में। अच्छा, अब मैं एक
पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैं एक पैराग्राफ लगाता हूँ और इसमें लिखता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। अभी सब कुछ मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई CSS प्रॉपर्टी अभी नहीं लगाई है, तो अभी ये दिस इज़ अ पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CSS में प्रॉपर्टी लगाता हूँ पैराग्राफ पे, मैं इसमें लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और इसकी वैल्यू लिखता हूँ कैपिटलाइज। देखते हैं अब इससे क्या होगा, इसमें हर एक शब्द का पहला पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिएगा दिस का T, इसका I, ए पैराग्राफ का P, ये सब कैपिटल हो गए, तो ये कहलाता है कैपिटलाइज करना। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें सभी को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इसकी जगह लिखेंगे अपर केस। तो आप देख सकते हैं सारा कुछ अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने एक और पैराग्राफ बनाया हुआ है, ये मैं बना देता हूँ एक और पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ठीक है, अभी मैंने लिखा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये सेलेक्टर क्या लिखा हुआ है P, तो इसका मतलब ये है कि सारे पैराग्राफ पे ये प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। तो देखिए दोनों पैराग्राफ दिख रहे हैं और दोनों पैराग्राफ पे सेम प्रॉपर्टी आ रही है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, क्लास एट्रीब्यूट लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्लास एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ लेट से पैरा वन या ग्रुप वन कर देता हूँ, ग्रुप वन कुछ भी नाम रख सकते हो, ये आपकी चॉइस। अब क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू में मैं H1 के लिए भी क्लास एट्रीब्यूट लिख देता हूँ ग्रुप वन। इसका मतलब क्या है, एक क्लास बन गई है, कैटेगरी बन गई है जिसके अंदर H1 भी है और ये P है, पर ये दूसरा वाला P नहीं है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी मैं इस पे अप्लाई करूँगा तो वो इन दोनों पे, बाकी पे असर नहीं डालेगी, सिर्फ इन दोनों पे ही असर डालेगी। तो अभी मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ हटा देता हूँ, ठीक है, और इसकी जगह सिर्फ डॉट ग्रुप वन लिखता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे एलिमेंट्स जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू ग्रुप वन है उन पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ लेट्स से अपर केस। तो आप ये देखेंगे कि कैपिटल लेटर में कौन कौन हुआ, H1 हुआ और पहला वाला पैराग्राफ हुआ पर दूसरा वाला नहीं हुआ। अब मैं इसको लिखता हूँ P डॉट ग्रुप वन, मतलब वो पैराग्राफ जिसका क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू ग्रुप वन है। तो इसमें ये H1 अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ्स की बात हो रही है, वो पैराग्राफ जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू ग्रुप वन है। तो अब इसको मैं करके देखता हूँ, तो देखिए H1 पे कोई असर नहीं आया, प्रॉपर्टी का असर केवल किस पे आया, पहले वाले पैराग्राफ पे। तो आई थिंक ये आपको अब समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, आपको लगता है कि ये बहुत ही यूज़फुल है, इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको लगता है कि ये हिंदी में होने की वजह से और फ्री में मिल रहे हैं इस वजह से हमारे बहुत काम के हो सकते हैं और बहुत लोगों को ये फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो एक नेक काम ये करिए कि आप इस वीडियो को अपने फेसबुक वॉल पर शेयर करिए। कुछ तो ऐसे फ्रेंड्स होंगे ही आपकी लिस्ट में जो कि इस तरह के वीडियोज़ चाह रहे होंगे, जिनको ये वीडियोस मिलेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली वो भी आगे इस तरह से स्प्रेड करेंगे। तो जितने नीडफुल लोग होंगे जिनको ज़रूरत है इस तरह के वीडियोस की, उन सब तक ये वीडियो मेरा पहुंचाना मकसद है और इसमें आप भागीदार बनिए। देखिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कम से कम हम एक काम तो कर ही सकते हैं कि इसको जितना हो सकता है फैला सकते हैं। आप मेरे दूसरे चैनल्स और दूसरे वीडियोज़ जो मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysurgi.com, ये नीचे URL लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS या प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इस सबके वीडियोज़ रखे हुए हैं, तो आप इसको रेगुलर विजिट करिए। इसमें डेली मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ तो शायद आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो आप इसको भी शेयर करिएगा। थैंक यू।